वेताल पच्चीसी बारहवीं कहानी। किसी जमाने में अंग देश में यश केतु नाम का राजा था। उसके दीर्घदर्शी नाम का बड़ा ही चतुर दीवान था। राजा बड़ा विलासी था। राज्य का सारा बोझ दीवान पर डालकर वो भोग में पड़ गया। दीवान को बहुत दुख हुआ। उसने देखा कि राजा के साथ सब जगह उसकी निंदा भी होती है, इसलिए वो तीरथ का बहाना करके चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। उसी समय निची दत्त नाम का एक सौदागर वहां आया और दीवान के पूछने पर उसने बताया कि वो सुवर्ण द्वीप में व्यापार करने जा रहा है। दीवान भी उसके साथ हो लिया। दोनों जहाज पर चढ़कर सुवर्ण द्वीप पहुँचे और वहाँ व्यापार करके धन कमा कर लौटे। रास्ते में समुद्र में दीवान को एक कल्प वृक्ष दिखाई दिया। उसकी मोटी मोटी शाखाओं पर रत्नों से जड़ा हुआ एक पलंग बिछा हुआ था और उस पर एक रूपवती कन्या बैठी वीणा बजा रही थी। थोड़ी देर बाद वो गायब हो गई। पेड़ भी नहीं रहा। दीवान बड़ा चकित हुआ। दीवान ने अपने नगर में लौटकर सारा हाल राजा को सुनाया। वो सुनकर राजा उस सुंदरी को पाने और देखने के लिए बेचैन हो उठा और राज्य का सारा काम दीवान को सौंप कर तपस्वी का भेष बनाकर वहीं जा पहुंचा। पहुंचने पर उसे वही कल्प वृक्ष और वीणा बजाती कन्या दिखाई दी। उसने राजा से पूछा, तुम कौन हो? राजा ने अपना परिचय दे दिया। कन्या बोली, मैं राजा मृगांक सेन की कन्या हूँ। मृगांकवती मेरा नाम है। मेरे पिता मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। कन्या ने ये शर्त रखी कि वो हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को कहीं जाया करेगी और राजा उसे रोकेगा नहीं। राजा ने ये शर्त मान ली। इसके बाद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आई तो राजा से पूछकर मृगांकवती वहाँ से चली। राजा भी चुपचाप पीछे पीछे चल दिया। अचानक राजा देखता क्या है कि एक राक्षस निकला और उसने मृगांकवती को निगल लिया। राजा को बड़ा गुस्सा आया और उसने राक्षस का सिर काट डाला। मृगांकवती उसके पेट से जीवित निकल आई। राजा ने उससे पूछा कि ये माजरा क्या है, तो उसने कहा, महाराज मेरे पिता मेरे बिना भोजन नहीं करते थे। मैं अष्टमी और चतुर्दशी के दिन शिव पूजा करने यहाँ आया करती थी। एक दिन पूजा में मुझे बहुत देर हो गई। पिता को भूखा रहना पड़ा। देर से जब मैं घर लौटी तो उन्होंने गुस्से में मुझे श्राप दे दिया कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन जब मैं पूजन के लिए आया करूंगी तो मुझे एक राक्षस निगल जाया करेगा और मैं उसका पेट चीर कर निकला करूंगी। जब मैंने उनसे श्राप छुड़ाने के लिए बहुत अनुनय की तो वो बोले, जब अंग देश का राजा तेरा पति बनेगा और तुझे राक्षस से निगले जाते देखेगा तो वो राक्षस को मार देगा, तब तेरे श्राप का अंत होगा। इसके बाद राजा उसे लेकर नगर में आ गया। दीवान ने यह देखा तो उसका हृदय फट गया और वो मर गया। इतना कहकर बेताल ने पूछा, हे राजन, ये बताओ कि स्वामी की इतनी खुशी के समय दीवान का हृदय फट क्यों गया? राजा ने कहा, इसलिए कि उसने सोचा कि राजा फिर स्त्री के चक्कर में पड़ गया और राज्य की दुर्दशा होगी। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा ने वहां जाकर उसे फिर जात लिया तो रास्ते में उसे बेताल ने 13वीं कहानी सुनाई। वाचन संज्ञा टंडन, प्रस्तुति लिब्रा मीडिया ग्रुप।